आगे का। एक सिर्फ प्रीमियम लुक देना था इस गाड़ी में कि सनरूफ की बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी थी और ये जो गाड़ी में सेकंड लुक बैठे हैं ये ऑटोमेटिक वाला है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप हम सब वेल होंगे, एकदम टकाटक होंगे मेरी तरह। मैं भी एकदम ठीक हूँ। बीच में काफ़ी महीने के बाद मेरी वीडियो आ रही क्योंकि थोड़ा सा मैं ठीक नहीं था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, मैसेज भी किया, भैया आपकी तबीयत कैसी है, जिनको पता था, क्योंकि मैंने कोई अपडेट वगैरह नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूअर्स को, आप सबको मालूम था। तो अच्छा लगा आप लोग का ये प्यार देख के। बस ऐसे ही अपने भाई पर सपोर्ट बरसाते रहिए। कोई भी ज़रूरत हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप मुझे कभी भी याद कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ, सभी का रिप्लाई करता हूँ। नमस्कार आदाब, जय जिन सस्ते कल केम चो। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं दोस्तों नई वाली स्कॉर्पियो का टेस्ट ड्राइव करने और काफी अच्छा लग रहा है हमको। हमारे पास इस समय तुरंत कंपनी के पास से फोन आया कि सर आप आ जाइए, आपकी टेस्ट ड्राइव आज आ गई है। हमारे साथ में वरुण भाई हैं, वरुण भाई कैमरा चला रहे हैं। वरुण कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, जबरदस्त। क्या कर रहे हो आजकल? बड़े दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं इस टाइम पे, काफी मेरे ख्याल से एक महीने से ज्यादा हो गया हम लोग को मिले हुए ना। लास्ट ट्रिप के बाद से बिल्कुल नहीं मिले। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसी गाड़ी के बारे में जो हम लोग टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं इस वक्त? स्कॉर्पियो वैन की वेटिंग तो काफी दिनों से चल रही थी। हाँ, और इंतजार भी काफी ज्यादा है। सही बात है। अब टेस्ट ड्राइव लेने के बाद पता चलेगा गाड़ी का क्या करना है। कि उससे पहले हम लोग डाइवर्ट थे 700 SUV 700 में, तो उसका भी टेस्ट ड्राइव लिया, बट कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग नई वाली स्कॉर्पियो के साथ। जो बेस्ट लगेगी वो आज हम लोग फाइनल करके निकलेंगे। ये मिलते हैं आपसे शोरूम पर, तब तक आप रास्ते की कुछ झलकियां देख लीजिए कि हमारा लखनऊ शहर कैसा है। दोस्तों अपने शोरूम पे आ चुके हैं, ये MIT के ऊपर शोरूम है हमारा और चलते हैं इसके अंदर स्कॉर्पियो की टेस्ट ड्राइव के लिए। अपॉइंटमेंट जो हमने लगा रखा है, फटाफट अपॉइंटमेंट क्लियर करके गाड़ी की टेस्ट ड्राइव पे मिलते हैं आपसे। तो हम लोग आ चुके हैं इस वक्त महिंद्रा स्कॉर्पियो नई वाली इनमें। आप इसका इंटीरियर देख सकते हो, यहाँ पे स्कॉर्पियो की बैजिंग है, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वगैरह है। यहाँ पे एक चीज अच्छा लगा कि इन्होंने ये पकड़ने के लिए इस बार यहाँ पे दोनों साइड में दिया हुआ है और ऊपर सनरूफ बना हुआ है। पर ये चीज थोड़ा सा कम अच्छा लगा मुझे कि इसको आप मैनुअल करोगे, यहाँ पे जो बटन दिया हुआ है इसको पुश करने से ये पूरा खुल जाएगा। और बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही बनाया हुआ है सिर्फ आगे का। एक सिर्फ प्रीमियम लुक देना था इस गाड़ी में कि सनरूफ की बहुत ज्यादा डिमांड हो चुकी थी और ये जो गाड़ी में इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं ये ऑटोमेटिक वाला है। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने आए थे, आपको पता ही है गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने आए, पर मैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव तो कर रहा था, साथ में मैं वीडियो बनाने लगा तो वो मोहतरमा एक आई, बोली सर आप वीडियो नहीं बना सकते। मैंने भाई कहाँ लिखा है जरा बताओ, कौन सी नॉर्म्स में लिखा हुआ है कि महिंद्रा वीडियो बनाने के लिए मना करने लगा? इतना ज़्यादा मूड खराब हो गया है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब यूट्यूब पर हज़ारों की तादाद में वीडियो पड़ चुकी हैं, हम बना रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। वाह रे मोहतरमा जी। और दोस्तों यही है स्कॉर्पियो इन ब्लैक कलर ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है, कंपनी वाले बोल रहे हैं कि 26 से 25 तारीख के आसपास गाड़ी ऑफिशियली लॉन्च कर दी जाएगी। आई होप आपको भी बहुत जल्द, अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मिलेगी। और डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ भी गाड़ी को प्रेजेंट करा जा रहा है महिंद्रा की तरफ से। काफ़ी अच्छा लुक लग रहा था इसका अलॉय व्हील। बैक साइड से अगर मैं देखता हूँ तो गाड़ी का लुक पुरानी वाली ज़ाइलो आती थी उसके बैक साइड से लुक कुछ मैच कर रहा है। इसकी जो टेल लाइट है
वॉल्वो की कार आती है उससे मिलती जुलती थोड़ी सी लग रही है मुझे, अच्छा लगा। पर एक चीज़ मुझे जिसमें कमी लगी कि इस गाड़ी के अंदर जो बूट स्पेस है वो बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा, क्योंकि वो तीसरी वाली। दोस्तों हमारी स्कॉर्पियो आ चुकी है, वाइट कलर में है ये वाली, और चलिए इसके अंदर चलते हैं, टेस्ट ड्राइव करते हैं। दोस्तों हम लोग अपनी स्कॉर्पियो में आ चुके हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन है, म्यूजिक सिस्टम, लाइट्स, और ये प्यारा सा इस बार सनरूफ महिंद्रा ने जो कहा था तो स्कॉर्पियो में सनरूफ हम देंगे और वो कंप्लीट कर दिया है। चलिए टेस्ट ड्राइव करते हैं। हाइट चल रही है, मतलब लग नहीं रहा कि मैं इतनी नई वाली स्कॉर्पियो चला रहा हूँ, इतना बढ़िया मक्खन जैसी गाड़ी चल रही है। और आई होप आपको भी अच्छी लगेगी ये नई वाली स्कॉर्पियो। नीचे DRL चल रही है, वो भी दिख रहा है सामने वाली गाड़ी में। काफी स्मूथ है गाड़ी दोस्तों, पिकअप भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी लग रही है। लोग मुड़ मुड़ के हम लोग को देख भी रहे हैं कौन सी गाड़ी चला रहे हैं। दोस्तों गाड़ी का कैबिन में बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं आ रहा है। जो गाड़ी का जो हॉर्न भी है वो भी इतना स्लो है, पता ही नहीं चल रहा है कि गाड़ी के बाहर कोई हॉर्न बज रहा है। तो अच्छा लगा ये महिंद्रा की तरफ से जो भी चीजें इसमें ऐड करी गई हैं, नए नए फीचर्स डाले गए हैं। मुझे लगता है कि इस गाड़ी को भी स्कॉर्पियो तो नाम है, और इस गाड़ी का जो ब्रांड है वो अपने ही इस वाली सेगमेंट की भी ऐसे ही बरकरार रखेगी, और आप सभी को अपने साथ में अटैच रखेगी जैसे पुरानी वाली स्कॉर्पियो ने जो किया था। काफी अच्छा लगा, वो भी गाड़ी आएगी मार्केट में और ये भी चलती रहेगी। तो भाई सही कह रहे हैं ना, वो क्लासिक के नाम से आएगी और ये स्कॉर्पियो इन, दोनों गाड़ियां अपने सेगमेंट की, और एसयूवी इज अ बिग डैडी, बिल्कुल सही नाम रखा है इसमें। अच्छे से हमको गाड़ी की चीजें समझाई उन्होंने और सब कुछ XYZ एक एक तरह से उन्होंने चीजें बताई। एलेक्सा वगैरह भी इस गाड़ी के अंदर है, आप बोलेंगे तो एलेक्सा ओपन द सनरूफ तो सनरूफ खोल देगी। और आगे का जो मैं देख पा रहा हूँ डैशबोर्ड और आगे का जो हमारा बोनट है पूरा क्लियर एकदम साफ साफ दिख रहा है। ऑटोमेटिक गाड़ी मैं चला रहा हूँ इस वक्त, तो अच्छा लगा ये ड्राइव करके। थैंक यू भैया आपका बहुत बहुत, और आप कंपनी को। सार्थक भाई बताइए कैसा लगा आपको गाड़ी चला के स्कॉर्पियो एन? भाई यार गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है भाई, सच में नाम है इस गाड़ी का बिग डैडी ऑफ एसयूवीज। मजा आ गया, मैं काफी ज्यादा इस गाड़ी का दीवाना हो गया हूँ यार। बस सोच रहा हूँ बस जल्दी से गाड़ी आए और निकल पड़े इसकी लॉन्ग ड्राइव पर, काफी ज्यादा मजा आया। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। गाड़ी में बैठ के गाड़ी चला तो आप नहीं भाई, बट बैठ कैसा लगा आपको ये गाड़ी? तो बहुत जबरदस्त है यार, गाड़ी का कम्फर्ट लेवल हो या उसका इंटीरियर, बिल्कुल 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 नो डाउट, और बहुत बेहतरीन है। और कैसा लग रहा है उस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद, कैसा फील लग रहा था आपको? महिंद्रा ने पहला लग्जरी गाड़ी टाइप बनाया है, जैसे XUV 700 थी और इस रेट प्राइस रेंज में ये बेस्ट दिया है उसने, बेस्ट दिया। अगर आप फॉर्च्यूनर को कंपैरिजन करते हो स्कॉर्पियो इनसे तो लाख गुना बेस्ट लगी मुझे स्कॉर्पियो, क्योंकि आपके बजट में भी सही है, आपके बजट में भी आएगी, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट गाड़ी, सबसे बेस्ट गाड़ी, वैल्यू ऑफ मनी है इस गाड़ी की, वैल्यू ऑफ मनी। किसी ने सोचा नहीं था इस गाड़ी का इतना बेस्ट प्राइस आएगा कि हर आदमी लेना चाहेगा इस गाड़ी पे, अपनी इच्छा जताना चाहेगा कि ये गाड़ी मैं ले सकूं। मैं जब इस गाड़ी पे इंटरेस्ट था मेरा भी कि गाड़ी आया मैं देखने जाऊंगा, मेरे पास फोन आया मैं भी गया, तो मुझे खुद बिलीव नहीं हो कि महिंद्रा ने इतनी कम अमाउंट में इस गाड़ी को लॉन्च करा है। 12 लाख रुपए से लेके आप 22 लाख रुपए में आपको जो भी मॉडल आप चाहते हो वो आप ले सकते हो। काफी अच्छा ध्यान रखा महिंद्रा ने अपने कस्टमर्स का भी, नए कस्टमर उनसे और जुड़ेंगे भी, तो अच्छा लगा। आई होप दोस्तों आपको भी अच्छा लगा होगा मेरा ये लव वीडियो, और अच्छा लगे तो प्लीज चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे सीधे किसी और नए ब्लॉग में, तब तक की अपना ध्यान रखिएगा और हाँ मुस्कुराते रहिएगा।